तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रैगन एनिमे। तो अरे गाइस, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ सेवन डेडली सिंस के एपिसोड 3 का। तो अरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो और जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि बान और मेरिडस प्रोगेट्री से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उसी बीच उनकी मुलाकात होक के बड़े भाई वाइल्ड से होती है, जो काफ़ी टाइम से होक को ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ जेनरिस जो है वो अपने पावर को अनलॉक कर देता है और सबके बैंड बजाना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ वाइल्ड भी मेरिडस और बान के साथ निकल जाता है प्रोगेट्री से बाहर निकलने के लिए, ताकि वो अपने भाई होक से मिल सके। तो यार, अब चलते हैं अपने एपिसोड 3 की तरफ। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जहाँ पे वाइल्ड बोलता है कि किसने सोचा था कि मेरे भाई को देखने के लिए उससे पहले डेमन किंग के दरवाजे से मुझे गुजरना होगा। तो बान वाइल्ड से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि डेमन किंग यहाँ पे कब से है और कितने टाइम से है? तो वाइल्ड बोलता है कि डेमन किंग यहाँ पे मेरे पैदा होने से भी पहले से है। तो उसी बीच मेरिडस बोलता है कि डेमन किंग यहाँ पे 3000 साल पहले से सील्ड किया गया था रियल वर्ल्ड के टाइम के हिसाब से। यानी कि गाइस, इस प्रोगेटरी में डेमन किंग खुद सील्ड है, और उसे सील्ड किसने किया ये तो हमें आगे पता चलेगा। लेकिन जो मेरिडस ने कहा, अगर ये सच है तो हो सकता है कि शायद डेमन किंग से भी कोई पावरफुल हो सकता है, जो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड में हमें जरूर पता चलेगा। फिर उसके बाद वाइल्ड बोलता है कि मेरे भाई को ढूंढने के दौरान मैंने काफी टाइम डेमन किंग से फाइट की, लेकिन मैं एक भी फाइट नहीं जीत पाया। और जहां तक मुझे याद है, अराउंड में 12,118 फाइट लड़ी है, लेकिन मैं एक भी फाइट डेमन किंग से नहीं जीत पाया। तो बान बोलता है कि तुम्हारे इस डेडिकेशन के तो मैं दांत देता हूँ, और जब भी होक तुमसे मिलेगा तो वो बहुत खुश होगा। फिर उसके बाद वाइल्ड मेरिडस से पूछता है कि क्या तुम्हारा भी कोई छोटा भाई है? तो बान बोलता है कि उसका नाम है जेलरिस। तो मेरिडस बोलता है, हाँ जहाँ तक मुझे याद है मैंने इस बारे में कभी बताया नहीं। तो बान बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी अगर तुम बताना चाहते हो या नहीं। तो मेरिडस बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक बोरिंग सी स्टोरी है। फिर उसके बाद मेरिडस अपने भाइयों के बारे में बताता है कि मेरे दो भाई है, एक तो जेलरिस है और दूसरा है एस्तरोसा। तो एस्तरोसा का नाम सुनकर बान जो है शॉक हो जाता है और बोलता है, ये तो वही है ना जिसने तुम्हें मार दिया था? तो मेरिडस बोलता है, हाँ ये वही है। तो बान बोलता है, फिर तो ये डेफिनेटली तुम्हारा भाई कहलाने के लायक नहीं है। तो फिर मेरिडस अपने बैक स्टोरी के बारे में बताना शुरू करता है, और साथ ही जेलरिस के बारे में भी, कि उस वक्त मैं 10 कमेंडमेंट का लीडर था और साथ ही डेमन किंग बनने का कैंडिडेट भी, लेकिन उस वक्त जेलरिस मुझे काफ़ी एडमायर करता था और वो हमेशा सीरियस और कमिटेड होता था और कुछ भी कर सकता था डेमन्स के लिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस और कमिटेड क्यों होता था। फिर उसके बाद मैं एलिजाबेथ से मिला, जहाँ पे मेरी लाइफ में एक बड़ा टर्न आया, जहाँ पे मुझे पता चला कि खुशी क्या होती है जब कोई हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वही फीलिंग किसी को प्रोटेक्ट करने में बदल जाए तो क्या होता है। तो उस वक्त मेरा भाई भी मुझे समझ में आया कि वो भी किसी को बचाना चाहता था, जो मैं करता आया हूँ पहले से। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जेलरिस को, जो किसी को मिलने आया है, और वो और को नहीं जेलदा होती है, जिसे जेलरिस काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और उसे बचाना चाहता है डेमन किंग से, क्योंकि वो वेम्पायर क्लैन से है, और वेम्पायर क्लैन जो है वो डेमन किंग के लिए काम करते थे, लेकिन किसी वजह से वेम्पायर क्लैन ने डेमन किंग के लिए काम करना बंद कर दिया, जिससे कि डेमन किंग उन सभी को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ मेरिडस बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जहाँ पे मैंने और एलिजाबेथ ने प्रॉमिस किया था कि हम इस वार को एंड करेंगे, और फिर मैंने अपने क्लैन को धोखा दे दिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो शुरुआत थी होली वार की, और मुझे इतनी तकलीफ होगी ये सब करने के बाद, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फिर उसके बाद मेरिडस बताता है कि डेमन किंग ने वेम्पायर क्लैन पर अटैक कर दिया था और सबको ख़त्म कर दिया था, लेकिन जेलरिस कुछ वेम्पायर क्लैन में से इंक्लूडेड जेलदा को उन सभी को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ पे उन सभी को एक पिरामिड में सील्ड कर देता है, ताकि वो वार खत्म होने के बाद वापस उनसे मिल सके। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, और हमें वही सीन दिखाया जाता है जब हमने फर्स्ट टाइम 10 कमेंडमेंट को देखा था, और उसी वक्त जेलरिस जो है वो उसी गुफा में जाता है 3000 साल बाद, जब जेलरिस ने कुछ वेम्पायर क्लैन में से कुछ को सील कर दिया था, ताकि वार खत्म होने के बाद उनसे वापस वो मिल सके। फिर उसके बाद जेलरिस उस गुफा में जाता है और देखता है, तो पता चलता है कि वहां पे सब कुछ तहस महस है। तो ये सब पता लगाने के लिए जेलरिस जो है वो बाहर आता है, और वो एक आदमी से पूछता है कि इस गुफा में क्या हुआ था। तो वो आदमी बताता है कि 12 साल पहले कुछ नाइट्स आए थे और उन सब वेम्पायर्स को खत्म कर दिया था, और वो और को नहीं सेवन डेडली सिंस थे। तो ये सब सुनकर जेलरिस जो है वो शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद मेरिडस बोलता है कि ये थी मेरी बोरिंग से स्टोरी, जहाँ पे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि जेलरिस कितना प्रॉब्लम में था, और मैं एक भी बार उसकी मदद नहीं कर पाया। तो फिर वाइल्ड जो है वो बोलता है कि तुम्हारे दूसरे भाई का क्या हुआ? तो मेरिडस बोलता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिर अचानक से मेरिडस के सर में जो है झटका लगता है, और वो सीन चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जेलरिस और एस्कनोर के बीच फाइट चलती है, जहाँ पे जेलरिस सभी को एक के बाद एक नॉक करता जाता है, और फिर वापस से सभी को एयर प्रेशर से अपनी ओर खींचता है, ताकि वो अपने सोर्ड से सभी को स्लेस कर सके। लेकिन उसी बीच जेलरिस को एक बात याद आती है, जब मेरिडस ने जेलरिस को एक बात बोली थी कि जेलदा जो है वो जिंदा है और मैं तुम्हें उसे वापस कर सकता हूँ, लेकिन
जब तक मैं डेमन किंग नहीं बन जाता तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तो इसीलिए जेलरिस जो है वो मेलोडस को बचा रहा है ताकि वो जेल्दा से मिल सके। फिर उसके बाद जेलरिस ये सोचकर और गुस्से में आ जाता है और फुल काउंटर करता है मर्लिन, गिलथंडर और हैंड्रिक्सन के ऊपर, लेकिन उसी वक्त एस्केनर उन्हें बचा लेता है और फुल काउंटर एस्केनर को लग जाता है। लेकिन फिर भी मर्लिन जो है उसे चोट लग जाती है और ये देखकर एस्केनर और गुस्से में आ जाता है और हर जगह एक्सप्लोड करने लग जाता है। लेकिन जेलरिस जो है वो अपने फुल काउंटर के साथ अपने चारों तरफ ऑफेंसिव और डिफेंसिव शील्ड बना लेता है ताकि कोई भी उसके पास ना आ सके। तो ये देखकर लुडोशियन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि क्या इसके पास भी गॉड की पावर है जो मेरे पावर को भी सरपास कर सकता है। तो उतने में लुडोशियन अपने फुल स्पीड के साथ जेलरिस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जेलरिस इस तरह से अटैक करता है कि वो होल्ड नहीं कर पाता। फिर उसके बाद एस्केनर उस एयर प्रेशर में ऐसा चलता है कि जैसे उसके लिए कुछ है ही नहीं। तो ये देखकर क्यूसेक और चैंडलर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पावरफुल ओमिनस नेबुला को कैसे कोई बीट कर सकता है। तो फिर उसके बाद एस्केनर बोलता है पहले तो मेलोडस, फिर एस्टरोसा और अब तुम, क्या तुम सभी भाई मुझसे खत्म होना चाहते हो? तो ठीक है, अब वो वक्त आ चुका है। फिर उसके बाद एस्केनर अपनी उंगली ऊपर करता है और उसी बीच जेलरिस बोलता है कि अगर ये सच है कि तुमने मेलोडस को हरा दिया था तो उसका मतलब है कि मेलोडस ने तुम्हारे साथ सीरियस फाइट नहीं की, लेकिन वो है और मैं हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो फिर एस्केनर और गुस्से में आ जाता है और वो अपने डिवाइन एक्स से अटैक करता है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद एस्केनर और गुस्से में आ जाता है और वो अपने वेपन को फेंक देता है। फिर उसके बाद एस्केनर अपने हाथ से ही डिवाइन सोल्ड पावर से अटैक करता है और वो इतना पावरफुल होता है कि क्यूसेक बोलता है कि कैसे कोई ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है। तो चैंडलर बोलता है ये सब माइल का कमाल है जो गॉड ऑफ क्लैन का मेंबर था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एस्केनर के पास किसी समय माइल की फुल पावर आ जाती हो। तो फिर जेलरिस एस्केनर के पहले डिवाइन सोल्ड के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जब दूसरी बार एस्केनर वापस से डिवाइन सोल्ड से अटैक करता है तो वो इतना पावरफुल होता है कि जेलरिस को भी इसके लिए काफी ज्यादा दम लगाना पड़ता है और जेलरिस जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करता है और ऊपर उठता है। तो एस्केनर बोलता है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते। तो उतने में दूसरे हाथ से एस्केनर अपनी एक उंगली से डिवाइन स्पीयर अटैक करता है और वो सीधा जेलरिस के पेट में जाके घुस जाता है, जिसकी वजह से जेलरिस जो है उसे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। और उसी बीच क्यूसेक और चैंडलर जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और यहीं पे एपिसोड 3 जो है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड काफी धमाकेदार और शानदार रहा, जहां पे हमें जेलरिस वर्सेस एस्केनर के फाइट देखने को मिली जो काफी खतरनाक था, और फाइनली एस्केनर ने जेलरिस को हरा दिया। और साथ ही हमें जेलरिस के बैक स्टोरी के बारे में भी पता चला, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड में हमें एस्टरोसा के बारे में भी पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं और मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए एपिसोड के साथ। तो गुड बाय।